वेलकम बैक टू मज़ाक रात। जान जगजीत साहब, 4.5 साल जिंदगी उसे नून लीग खा गई, तो अब आप जब फारिग हुए हैं तो कोई अब आपने देखा आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है? कोई आपने देखे ड्रामे, देखे कोई फिल्म देखी? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं। अब देखी आपने ये पिछले 4-1 महीने? देखी हैं बिल्कुल। कौन सी देखी? एक तो मुझे वो पसंद आई, पंजाब नहीं जाना। नहीं, वो तो आपका गिला है, वो थी पंजाब नहीं जाऊंगी। मैंने कभी भी पाकिस्तानी मूवीज एज सच नहीं, पसंद से नहीं देखी, लेकिन देट वॉज ग्रेट। और इसी तरह वो एक और मूवी है लाहौर से आगे, वो तो प्रोड्यूसर ने नहीं देखी, तुसी कितों वेली? मगर बड़ा इंटरेस्टिंग आप चीज नोटिस करें कि जो अतिक जी साहब ने अभी तक फिल्में देखी हैं वो हैं पंजाब नहीं जाऊंगी, दूसरी लाहौर से आगे, अभी तक नजरें इनकी यहीं पे हैं कि मियां बरादरी किसी ना किसी तरह दोबारा ये देखें, आपके अंदर आ चुकी हुई है वो चीज। वापस नहीं जा सकते सियासत में, आप जो पार्टी आपने छोड़ दी फिर यहाँ पे, तो मियां साहब जो है एक दफा आपकी ताल्लुकात खराब हो गए, वो तो आपके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं मियां साहब, तो वो फिर कभी भी माफ नहीं, तो नहीं करते। क्यों, ऐसे क्या आपने कहा जो खराब हो गए? इनको कोई भी तनकीद पसंद नहीं होती, इनको बताना पसंद नहीं होता। उनके जहन में नहीं आया कि ये 4.5 साल इंसान हमें इतना डिफेंड करता रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से इसने हमें हर प्लेटफॉर्म पर बैठ के डिफेंड किया है, तो वो उसको कोई मरूज खातर नहीं रखते? मेरा नहीं ख्याल कि उनको उसके कोई फर्क पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि हम ब्रांड है और आपने सिर्फ हमारा ब्रांड बेचा है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के भी स्पोक्स पर्सन थे आप, तो आपने उनको भी दोबारा ज्वाइन नहीं किया? नहीं, फिर नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तानी सियासत का मसला ये कि आपने अगर ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज किया है जिनका मायार सिर्फ नोट है, वोट है, तो इसमें मतलब यकीनन आपके लिए फिर मुश्किलात होंगी। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, अगर आपके 30,000 वोट्स नहीं है, अगर आप उनको जो है उनके घर में ठेकेदार के तौर पे काम नहीं कर सकते, अगर आप उनको डोनेशन नहीं दे सकते, अगर आप उनको जहाज चार्टर नहीं करा सकते, ये हमारी लीडरशिप की आदत खराब होगी। उनकी अपनी गाड़ियां नहीं है, दे डोंट हैव कार्स। यार आप सोच सकते हैं मेरी गाड़ी है, आपकी यकीनन होगी, लेकिन इमरान खान साहब की गाड़ी नहीं है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखिए। मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब ने अपने कागजों में डिक्लेयर की होगी उनकी अपनी गाड़ी है। इसी तरह बाकी लीडर्स हैं, यानी ये इतना तजादात है उनके लाइफस्टाइल में और उनके जो भी असेट्स हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि उनको प्रोटोकॉल्स चाहिए, उनकी दूसरों की गाड़ियां चाहिए। गाड़ियों और जहाज वाला जिक्र किया, ये यूजुअली एट्रीब्यूट की जाती है चीज पीटीआई से और इमरान खान साहब से, तो ठीक है उनका तो चला, हमें पता चल गया कि अलीम खान या जुल्फी बुखारी जहाज करा देते हैं, मियां साहब का जहाज कौन करा के देता है? फाइनेंशियर्स हैं, इसी तरह खुद इसहाक डार साहब इज सो रिच का है। इसहाक डार साहब रिच है, बिलियनियर इन डॉलर। रियली? यस। ये कितने डॉलर उनके? 12 असेट्स हैं। तो ये जो बाहर गए हुए ये डॉलर्स के पास गए हुए? देखिए, इनकी सारे असेट्स बाहर हैं, जो हमारी पोलिटिकल इलीट है। आपने पढ़ा होगा, आसिफ साहब के कहां पे हैं? बिल्कुल इनके हैं, इनके फ्लैट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है बाहर, ये तो ऑन रिकॉर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने डिक्लेयर। वैसे मुझे एक बात बताइए, आप इनके दरमियान रहे 4.5 साल, ये इंसान मुल्क की खिदमत और अवाम की खिदमत करते हुए और 4 साल नेशनल असेंबली और सेनेट में रहते हुए कैसे अपना कारोबार करके इतना पैसा बना लेता है 21 सालों में? नून लीग और पीपल्स पार्टी में फर्क रहा है, पीपल्स पार्टी की जो तरीकाकार है करप्शन के हवाले से, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, उस पर कैश ले लिया और ये तरीकाकार रहा था। अच्छा, नून लीग क्या करते हैं, वो हुकूमती वसायल को इस तरीके से मिसयूज नहीं करती कि ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग और एक गाड़ी और पेट्रोल पर गुजारा हो, वो ठेके लेते हैं बड़े बड़े, जो हुकूमती ऑफिस है उसको मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने पार्टनर्स को देते हैं। जो कंपनियां इस मेट्रो में है वो इतने रिच हैं कि इस वक्त 32 से 37 बिलियन रुपीस के ठेके हैं, उनमें उनका हिस्सा है। 12 अकाउंट्स हैं, आपको फोन करते हैं, अगर आप ठेकेदार हैं आपने इस इटालियन बैंक में इसको स्विफ्ट के जरिए ट्रांसफर करना है, तो उनकी एक सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर करप्शन की मॉडल सप्लेंट या तरीकाकार है। आपकी जित पास जितनी इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ एक ही पार्टी रह गई है ज्वाइन कर सकते हैं, वो कौन सी? नैब। सर क्या आपका भी कोई है फ्लैट फ्लूट, बता दें पहले हमें। मैंने डिक्लेयर किए, मैंने फ्लैट डिक्लेयर किए। आपने फ्लैट डिक्लेयर किया हुआ है? किधर, मुल्क से बाहर डिक्लेयर किया? बाहर। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है जी, और दसो मुल्क से बाहर। मतलब लाज भी उत्थे ही होगा। वन टू थ्री फोर जानी जड़ा के तीन जानी जड़ा के तीन तागड़ तागड़ तागड़। ये क्या मूनसून हैज बिन टू सून। ओ बारिशा ही बारिशा ते खारशा ही खारशा। सियाने नहीं आंदे के बादल अगर गरजे तो बारिश नहीं होती, बंदा अगर मर जाए तो खारिश नहीं होती। ये डबल एक्शन छतरी है। हाँ, बारिश हो जाए तो बारिश से बचाओ, धूप हो जाए तो धूप से बचाओ। 4,000 छतरियां मैं मंगाई हैं बाहर। क्यों? हाँ, मैं क्या हालात ऐसे जा रहे हैं ना
سیل ویلیو بدھ جاتی نا تھی اگر 100 چھتریاں لاؤ تو نال ایک فری ہے میں سپیشل تھوڑے واسطے منگ آپ ڈیزائن پسند کر لو ایسی ہے 23,000 دی 23,000 کی ٹیکس ٹوکس پہ کے آئے گی ویسے تو 900 دی ہے بندیا بارش ٹیکس دھوپ ٹیکس چل رہے اتنا تو اس آکڑا اللہ رحم کرے تھی میں بالکل اسحاق ڈار ہی کہہ دیا دور کے اتنے ٹیکس گنوا دیے میں پولیس کا افسر ہاں ہاں جی ایسی گل نہیں ہے کہ یہ مطلب دھوم پچک دھوم جانا چاہیے صاحب یس او یا میرے اللہ سر السلام علیکم اے میرے موسم نے اچھا لو پہلے میری صحت بڑی ہوں سی اچھا ڈیڑھ میرا بار سی اوئے ہوئے میں دو دن نال ڈیوٹی کی تھی او بھوکا مرے ہیں لائل آدمی یار میں ایمان نہ بھی انہوں ویک کے سن ہو گیا میں حیران ابھی نون لیگ کیوں سن جدو بھی الیکشن تک لو ہار جان گے بڑی نو گل دسی یہ تو انہوں بھی پتا اج کل اچھے بندے ووٹ نہیں نہ پاندے وہ یہی کہہ رہے تھے ہاں ماشاء اللہ تھی کلے ہی بڑے ہو ہاں کھ بھی نہیں کر سکتے وہ ویسے تو ایکٹر ہوتی ہیں لیکن نون لیگ کی سپورٹر بھی ہیں میں بالکل اچھی طرح زاریہ جی ہاں لو دسو اپنا پارلر والی لڑکی وہی نا جی جی میں بڑا توڑا ڈرامہ ویکھا زبردست پہچان جناب ایم کام اوئے ہوئے ہوئے اے سر سانو ہر بندے دے بارے پتا ہوں بالکل ہر ایک دی انفارمیشن ہوتی تمہیں پتا یہ کہاں رہتی ہیں یہ لڑکا نہیں کہ مذاکرات میں کیسے روپیہ اس کے دل میں رہتی ہیں او ماشاءاللہ او تو فوت نہیں ہو گیا تو میری اینک ذرا ڈیفوکس سی وہ تو پسی ہو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ دسو بھائی میں فین ہے اس بچے کا ماشاء اللہ کیسا روپیے کا میں ایڈا فین ہاں بھائی میں کہنا ٹائمنگ یہ زبردست ایکٹنگ یہ زبردست نین نقش ویکو آپس ملتے ہی نہیں یار میں فوٹو سپیشل فوٹو لے کس کے ساتھ اپنا بھائی جان آف کورس مائی ڈیئر سویٹ سر اچھا جان اچھا کہ تو پھر خود ہی پوچھ لو بھائی آئی لو دس گائے یو ہیو ٹو آسک ہم یور سیلف اوکے سر اجازت ہے پلیز زاریہ جی اجازت ہے جی انہوں نے میں انہوں نے نال بہا کے کٹھی فوٹو کھچنی ہاں تھی بنانی اے ایکسکیوز می سر بالکل نال نہ بنا چنگیاڑے نکل آؤں گے ایکسکیوز می نال ذرا بیٹھو آپ ادھر آ جائیں نا ماشاء اللہ آ جائیں ادھر آئے نا جی میں نے آپ کے ساتھ فوٹو بنائی یہ تو میں ویسے ہی پایا اللہ دیا بندیا ہو سکتا میری زندگی دی اے نایاب ترین فوٹو ہوئے ہو سکتا نال ہو نا سر سارے ساڈے نا سانو ٹکٹاں دین نہ دین فوٹو کھچن نہ کھچن اسی گسے چ اپنے وال بھی نہیں پٹ سکتے پاکستان کے اس وقت نگران وزیر اعظم کا نام بتائیں سارے پولیٹکس والے کوئسچن آپ میرے سے کیوں کر دریا کیا مطلب کاف لیگ کیا نون لیگ کیا دریا دریا ہے ویلکم بیک ٹو مذاق رات جی ہنا عجیب و غریب کیا ہے خبر چین سے جہاں ایک بدنصیب کنوارے کو 80,000 خواتین ریجیکٹ کر چکی ہیں اور بیچارہ آن لائن میرج بیوروز میں اپنا جو ہے وہ اشتہار دے چکا ہے سڑک پر بھی وہ بورڈ لے کر گھومتا رہا ہے شادی کے لیے لیکن اس کنوارے کو 80,000 خواتین جو ہے ریجیکٹ کر چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھنے میں بالکل بھی پرکشش نہیں ہے گنجا بھی ہے اور اس کا قد بھی چھوٹا ہے کالا بھی ہے اور اس کی سیلری بھی جو ہے نا وہ بہت کم ہے جس کی وجہ تو بچے ہی ہیں پھر تسی ہو یا میں ایسا جس کی وجہ سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں 80,000 کڑی نے ریجیکٹ کر دیتا تانوں کنیاں کڑیاں نے ریجیکٹ کیتا ہے اللہ معاف کرے میرا تو رشتہ دیکھنا آئے نا جی ہاں جی میری ماں نے کہا جی منڈا ویکھ لیا انہوں نے کہا اسی تے ویکھ لیا ہن کسے ڈاکٹر نوں وکھاؤ ٹھاکر صاحب بندہ بڑا ہی بد نصیب جی کیوں انیاں کڑیاں نے ٹھکرایا ہن تے او باجیاں والی دکان تے جاویں نے تے باجیاں نے کہدا بھائی تو چلا جا سانو پتہ تیرا نہیں ہونا اب تو وہ دیگوں کی دکان کے آگے سے بھی گزرے نا وہ اپنی خالی دیگیں بھی اندر کر لیتے سر اس کے لیے تو بڑا چانس ہے کیا وہ جن 80,000 عورتوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے ان کو جا کے صرف یہ ریکویسٹ کر دے کہ آپ نے رشتہ تو نہیں دیا اگر آپ مجھے ووٹ دے دیں
तो मैं MNA बन सकता हूं। हमारे पास एक सेगमेंट है 2020 का, तो आप में से कौन पहले खेलना चाहेगा? मैं। अरे लेडीज ने खुद ही कहा है कि वो सबसे पहले खेलना चाहेंगी। ये बताइए मैडम, इनमें से किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगी, किसके साथ दो साल में काम करना चाहेंगी और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफा। तो एक साल में किसके साथ? हुमायूं सईद। दो साल में किसके साथ? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। और किसके साथ काम ना भी करें तो जारिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फवाद खान के साथ काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा? फवाद खान साहब आपका काम नहीं भी करेंगे वो चलेगा? स्पोर्ट्स कार में जारी है, एक ही सीट है जो साथ में खाली है, एक सीट तो आप बैठी हुई हैं और आप देखती है कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। तो इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जमशेद दस्ती और चौधरी निसार अली खान। तीनों मुझे अच्छे नहीं लगते। फजलुर रहमान साहब ठीक है, उनका अपना डीजल है जी, गाड़ी पेट्रोल है। जनरल नॉलेज में गई हैं, उन्होंने कहा मैं लिफ्ट किसी को नहीं दूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बताइए पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत बतौर गवर्नर जनरल किसकी थी? बहुत मुश्किल क्वेश्चन। मुश्किल है ना। पाकिस्तान के पांच बड़े दरियाओं के नाम बता दें। चनाब, सतलुज, दरिया रावी, दरिया झेलम। नहीं आ रहा तो मैं आगे चलूँ सवाल पे जी, अगले सवाल पे चलूँ। पाकिस्तान के इस वक्त के निगरान वजीर आजम का नाम बताएं। सारे पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन आप मेरे से क्यों कर रहे? दरिया क्या मतलब काफली के नून लीग के दरिया दरिया है। वापस जाना चाहेंगे किसी एक? यस यस यस, मुझे वापस कर दे प्लीज। तो पहले कर लेती तो हमारे साथ। मैं मौलाना फजल रहमान को बिठाना पसंद करूंगी। इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन मैडम ये बता दीजिए, एक लाइफ जैकेट आपके पास है, कश्ती में सवार हैं आप, कश्ती डूब रही है, वो लाइफ जैकेट आपने किसी एक को देनी है, वो लाइफ जैकेट आप किसको देंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब आसिफ जरदारी, असफंदियार वली और निसार अली खान। निसार अली खान। निसार अली खान, कोई खास वजह? नहीं नहीं, आसिफ जरदारी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो बीच वाले थे उन बेचारों को भी आपने बिल्कुल मलूजे खातर नहीं रखा? वो बिल्कुल, वो जरा मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, असफंद यार वली को जानती नहीं है, आसिफ जरदारी अच्छे नहीं लगते, तो निसार अली खान इस बेस के ऊपर बच गए हैं। बहुत ज्यादा तालियां इनके लिए। सर एक लड़ाई में फंस चुके हैं, अपने बचाव के लिए आपने किसी एक को बुलाना है, तो वो कौन होगा जिसको आप बुलाएंगे? नईमुल हक, मुराद सईद या फिर नबील कबूल? मुराद सईद। मुराद सईद, कोई खास वजह? वो जज्बाती है, वो अच्छा जज्बे अच्छा लड़ता है, लड़ सकते हैं। तानू लड़ाई से फायदा बहुत है, साढ़े कड़े वाल किसे थे आज चोने। मगर सर ये बताइए अपने साथ टाइटैनिक पर आप किसको लेके जाना चाहेंगे? एक ही सीट है आपके पास, जो ऑप्शंस हैं वो हैं शीरी मजारी और फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अगर टाइटैनिक से मुराद किसी को डबो देना है तो शीरी मजारी साहिबा। इनमें से किसका हेयर स्टाइल आपको ज्यादा पसंद है? जमशेद दस्ती, रहमान मलिक, शीरी मजारी? आई हेट ऑल ऑफ देम, कोई पसंद नहीं मुझे। लेकिन सर हेट ऑल ऑफ देम बट मैं बालों की बात कर रहा हूँ। शीरी मजारी बैड कॉम्बिनेशन उनका जो हेयर स्टाइल है। अच्छा जी, वेरी बैड, वर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन। रहमान मलिक? अच्छा, रहमान मलिक साहब वो बिल्कुल उनके बाल इब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, सॉरी इज माई फ्रेंड। जमशेद दस्ती साहब एज अ पर्सन ही इज अ वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन बाल फिर उनके जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। जनरल नॉलेज पे जाऊं या यू लाइक टू आंसर दिस वन? इसी को मैं आंसर करूंगा, इसी में आंसर तो बता दीजिए सर कि किसका सबसे यानी कम वर्स ऑप्शन जो है वो जमशेद दस्ती का है। जमशेद दस्ती का हेयर स्टाइल इनको ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा तालियां साहब के लिए।